लखनऊ में कैब ड्राइवर जिस दिन पहली तहरीर दी थी और दो धाराओं को जोड़ा गया था, जिसमें से एक 394 धारा थी और दूसरी 427 धारा थी, उसी दिन हमने रिपोर्ट में ये बात कही थी कि जो लूट की धारा लगाई गई है वो या तो गलती से लगाई गई है या तो उनके वकील को पूरी नॉलेज नहीं है। इस धारा को हटा लिया जाएगा, इसी धारा को बेबुनियाद साबित कर दिया जाएगा, ये हमने आपको बताया था। उसका रीज़न भी बताया था कि जो आरोप लगे हैं 600 रुपए को लेकर 600 रुपए का कोई भी सबूत नहीं दे पाएंगे और सबूत क्या भाव में धारा हटा दी जाएगी, सबूत नहीं मिलने पे धारा है जो वो हटा ली जाएगी। और ऐसा ही हुआ, पुलिस ने 394 धारा है वो हटा दी है क्योंकि सबूत जो है पर्याप्त नहीं मिले थे और इस धारा के आधार पर ही केस लड़ा जा रहा था। उस धारा को हटा लिया गया है अब क्योंकि उसके पर्याप्त सबूत नहीं थे। वेल, आपको बता दें कि उनके वकील ने एक गलती तो की है क्योंकि इस मामले में जो धारा लगानी चाहिए थी जो और भी स्ट्रॉन्ग थी वो थी 304। अगर 304 धारा लगा देते तो उसमें उस किसी व्यक्ति को गैर हत्या के इरादतन में गिरफ्तार किया जा सकता है और इसके अंदर मिनिमम 7 साल की सज़ा होती है, मैक्सिमम 10 साल की भी सज़ा हो सकती है और ऐसे में जमानत मिलना भी मुश्किल हो जाती है। लेकिन वो धारा क्या सोच समझ के लगाई थी, क्योंकि आप 394 यदि धारा लगाते हो तो लूटपाट की धारा है जो उसमें बनती ही नहीं है, क्योंकि जो धारा बनती थी वो लगाई ही नहीं गई है। वहीं आप बता दें कि इनविटेशन चल रही है, पूछताछ चल रही है, कार्रवाई चल रही है और बंथरा इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार सिंह कर रहे हैं इसकी जांच और उन्होंने दोनों के बयान लिए हैं, सादत अली के भी और प्रियदर्शनी यादव नारायण के भी बयान है जो लिए हैं और लूट की धारा है उसके आरोप सबूत नहीं मिले हैं, इसलिए उन्होंने इस धारा को भी हटा लिया है। और प्रियदर्शनी ने दूसरी तरफ इंटरव्यू में कहा है कि वो जल्द ही कोर्ट में एक सबूत पेश करेंगी, देखते हैं सादत अली की दिल्ली कोर्ट में सुनवाई होती है या नहीं। इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए, खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए कीजिए चैनल को सब्सक्राइब लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले देखने के लिए।